सागर जिले के बहुचर्चित हत्याकांड के गवाह चाचा भतीजे की हुई मौत के मामले में अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की एंट्री हो गई है। सोमवार दोपहर में दिग्विजय सिंह मृतिका अंजना अहिरवार और उसके चाचा राजेंद्र अहिरवार के घर बरोदिया नोनागिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने परिवार के लोगों से घटना के संबंध में जानकारी ली। दरअसल बीते दिनों बरोदिया नोनागिर में दो पक्षों में राजीनामे को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों में से दो लोग घायल हो गए, वहीं इसमें राजेंद्र अहिरवार की इलाज के दौरान मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद परिवार के लोग अंतिम संस्कार के लिए शव लेकर घर जा रहे थे, तभी रास्ते में मृतक की भतीजी अंजना शव वाहन से कूद गई और उसकी भी मौत हो गई। इसी घटना को लेकर सोमवार को दिग्विजय सिंह गांव पहुंचे और कहा कि बीते साल हुए हत्याकांड में ये दोनों चाचा भतीजी अहम गवाह थे, जिन पर कई दिनों से गवाही बदलने के लिए दबाव डाला जा रहा था। उनके द्वारा शिकायत भी की गई पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और फिर उनकी मौत हो गई। दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री से जिला कलेक्टर और SP बदलने की मांग की है। बता दें कि बीते साल इसी परिवार में एक युवक लालू अहिरवार की गांव के लोगों ने मिलकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद भी दिग्विजय सिंह इस परिवार से मिलने आए थे और मृतिका अंजना से राखी भी बंधवाई थी। जिला प्रशासन जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के प्रकरण हुए हैं, उन्होंने जो हमें विश्वास दिलाया था कि आपूर्ति थी, हाँ इतना जरूर हुआ कि उनकी अभी तक उनकी जमानत नहीं हो पाई है। लेकिन इस घटना के 10 दिन पहले यहाँ से पुलिस जो सुरक्षा थी वो क्यों हटा ली गई? चुनाव के समय उठा ली थी, जब भी उठाई हो। इसके बाद इसको इस पर दबाव डाला गया था। लालू की हत्या में 3 गवाह थे, एक राजेंद्र, एक अंजना और एक मम्मी और उसकी माँ जी। 3 गवाह थे। राजेंद्र को मार दिया, अंजना मर गई और राजेंद्र को भी क्यों मारा? दबाव डाला गया, नहीं माना, उसकी हत्या कर दी। और अंजना ने कुछ दिन पहले पुलिस में रिपोर्ट करी कि हम पर दबाव डाला जा रहा है बयान बदलने के लिए। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। शुरू से अंजना बयान दे रही है कि अंकित ठाकुर उसमें शामिल है। उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बाहुबली राजनीतिक संरक्षण उसको। मैं तो इस जिला प्रशासन से इतना मैं समझता हूँ कि निराश हूँ। जितने भी SC ST की तो SC ST के जितने भी केसेस आते हैं, ये हमेशा क्यों विरोध करते हैं? आपको याद होगा वहाँ पे जब मकान बुलडोज कराए गए थे, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान गिरा दिए थे। इनके बारे में यहाँ पर जो वादे किए थे, कहा था इसको अंजना को शासकीय नौकरी देंगे, ठीक है, और भी जो वादे किए गए थे, इनका हम मकान गिरा देंगे, गिराए क्या? मैं मकान गिराने के किसी के पक्ष में नहीं, लेकिन आप कई लोगों के मकान गिरा देते हो, इनका भी गिरा। मैं तो मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी से, पूरे जिला प्रशासन में इसमें बदलाव करो। इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है, न जिला कलेक्टर से, न जिला के SP साहब से। राय साहब, अब उल्टी बात यह है, खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7 स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।